हेलो फ्रेंड्स सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते स्वागत आप सभी का मेरे गढ़वाली जान सारे यूट्यूब चैनल पे तो आज बना रही हूँ मैं गाजर का हलवा और हमने ना सर्दियों में पहले बार बना रही हूँ मैं गाजर का हलवा अभी तक मैंने गाजर का हलवा नहीं बनाया था क्योंकि सर्दियों में ना गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा लगता है देखो चौहान जी का गाजर तो देखो जरा मैंने इनको आज भेजा था मार्केट में तो मार्केट से इन्होंने इतने मोटे मोटे गाजर लाए इन्होंने सोचा ना मोटे मोटे गाजर कसने के लिए सही रहेंगे इसलिए मैं मोटे मोटे गाजर ले जाता हूँ जब मैंने घर आके बोला यार गाजर ना बहुत ही मुलायम और मतलब पतले से होने चाहिए वही उन्हीं का हलवा ना अच्छा बनता है अरे अब तो ल्हती है तनका चलो कोई बात नहीं तो इन्होंने कस दिए तो मैं छत में गई छत में मैंने चूल्हा जलाया चूल्हा जलाने के बाद मैं कढ़ाई में थोड़ा घी रखा घी रखने के बाद मैंने ये डाल दिया इसमें गाजर तो गाजर को मैं इसमें अच्छी तरह मिलाऊंगी क्योंकि घी इतना ज़्यादा तो नहीं था ना कमी था तो लेकिन क्या करें गाजर का हलवा तो खाना था तो मैंने इसमें मिलाया गाजर गाजर को मैंने अच्छी तरह मिलाया और इसमें ना पानी जो गाजर में पानी निकलता है उसको एक बार पूरा सूखने देते हैं क्योंकि तभी गाजर का हलवा अच्छा बनता है तो मैंने ये देखो जरा पूरा सूख गया उसके बाद मैंने चीनी डाली जब चीनी गलती है तो पानी छूटती है तो इसको मैं एकदम से पूरा सुखाऊँगी इसी में और ये देखो अभी पानी छोड़ रही है क्योंकि जब चीनी गलती है तो गलने से भी वो होती है पानी छोड़ती है तो इसके बाद में इसे सुखाऊंगी उसके बाद डाल दिए मैंने नारियल तो नारियल मैंने कस रखे थे कसने कसे हुए नारियल इसमें मैंने छोड़ दिए तो बिस्कुट भी अच्छी तरह मिलाऊंगी क्योंकि सब चीज़ ना अच्छी तरह मिलना चाहिए ये नहीं कि एक ही कटोरी में नारियल गया दूसरे के कटोरी में वो ड्राई फ्रूट गए तो ड्राई फ्रूट मैंने फ्राई नहीं किए थे वैसे ही डाले थे वैसे ही काटे थे तो लेकिन फ्राई करने से भी अच्छे होते हैं मैं बिना फ्राई के डाल रही हूँ तो ये देखो ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिए तो ड्राई फ्रूट ना वैसे भी अच्छी तरह मिलाऊँगी इसके साथ क्योंकि ये भी सारे जगह मिलने चाहिए तो ये देखो आप लोग कि मैं इसे कैसे मिला रही हूँ चूल्हे के ऊपर अगर आप बनाओगे ना गाजर का हलवा तो इतना अच्छा बनता है अच्छी तरह पकता है और अच्छी तरह घुमाया जाता है क्योंकि गैस के ऊपर कमर में दर्द भी हो जाता है और टांगों में भी दर्द होता है इतना खड़ा कौन रहता है गाजर का हलवा बनाने के लिए टाइम तो बहुत ही ज़्यादा लगता है तो मैंने सोचा यार चलना छत में चलते हैं और आराम से गाजर का हलवा बनाते हैं और बैठ के तो मैं गई छत में मैं छत में ही सारा वो दूध वगैरह सब भी छत में ले गई थी चीनी वगैरह सब ले गई थी छत में और वहीं पे बैठ के मैंने गाजर का हलवा बनाया और अच्छी तरह पकाया क्योंकि गैस तो कितनी ज़्यादा लगती है तो लकड़ी तो छत में थी तो मैं गाजर का हलवा ढंग से पकाऊंगी तो ये था दूध तो दूध ना हमने मार्केट से लाया था अमूल दूध और इसी को मैं इसमें डालूंगी तो दूध को भी अच्छी तरह इसमें जितना हो सके उतना इसमें सुखाना क्योंकि गाजर का हलवा अगर इसमें थोड़ा ऐसे रहें तो थोड़ा पानी वानी सा लगता है अगर इसे अच्छी तरह पकने दें और अच्छी तरह मिलाएँ और दूध भी इसमें अच्छी तरह पकाएँ तो बहुत ही टेस्टी बनता है देखो हमारा गाजर का हलवा बन गया और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलना और एक बार ना आप गाजर का हलवा इस तरह बनाना जैसे मैंने बनाया बनाना आप लोग चूल्हे पे और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय